हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका पहला क्वेश्चन देखिए वन लाइनर के यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसके बाद हमने लिए हैं आपके लिए ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन। ऑप्शनल टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप उसको पहले लगाने का प्रयास कीजिएगा, फिर आपका देखिएगा क्यों सही होता है या गलत होता है। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, केंद्र सरकार ने 2,798.16 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ राजस्थान और गुजरात में एक नई रेल लाइन की मंजूरी को मंजूरी दी है। दूसरा देखिए क्या, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन की सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस 2022 जो है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार मिजोरम में विधायकों और प्रबंधकों के रूप में काम करने वाली महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। पाँचवा देखिए क्या है, गोटाबाया राजपक्षे ने अपना इस्तीफा श्रीलंका के स्पीकर को भेजा है। अब देखिए आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और टिक कीजिएगा। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में किस देश के चीन को पछाड़ने का अनुमान है। पहला है जापान, दूसरा है यूएस, तीसरा है भारत, चौथा है बांग्लादेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला यानी भारत। अब इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या है, भारत के अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने की अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 दशकों तक शायद ही ध्यान दिया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब कर्नाटक में कलबुर्गी जिले के पास इस महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल पर संरक्षण कार्य शुरू किया है। पहला आपका है तमिलनाडु, दूसरा है असम, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की अगर राजधानी की बात करेंगे तो बेंगलुरु होती है। अगला देखिए क्या है, इसमें देखते हैं 2 दशकों तक शायद ही ध्यान दिया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब कर्नाटक में कलबुर्गी जिले के पास एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल का संरक्षण कार्य शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ब्रजेश कुमार उपाध्याय को किस संगठन का CMD नियुक्त किया गया है। पहला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा है ONGC, तीसरा है गेल लिमिटेड, चौथा है कोल इंडिया लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए कैबिनेट के नियुक्ति समिति एजेंसी में ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड CGL के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में प्रबंधन निदेशक के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है महामेट्रो ने किसके साथ एशिया का सबसे लंबा बहुपरत पुल बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आपका NHAI। महाराष्ट्र के महामेट्रो और केंद्र के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेज। आपको बताना है कि कॉरपोरेट का जो इंटरनेशनल डे होता है कब मनाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है 9 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 12 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 10 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 8 जुलाई। तो आपका राइट आंसर 9 जुलाई को, 9 जुलाई को आपका मनाया जाता है। अगला देखिए क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट देख लें, 9 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। कि अब काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों का की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका है टी यानी AU, तनु, DRDO, इसरो, नाबार्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसरो।
अब देखिए, काफ़ी बोर्ड और इसरो के बीच जलवायु लचीला किस्मों के प्रजनन और काफ़ी में कार्बन पृथक्करण क्षमता का आकलन करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका कि विश्व मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है। तो आपका पहला है 11 जुलाई, दूसरा है 13 जुलाई, चौथा है 9 जुलाई और चौथा है 12 जुलाई। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई को। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को सलाम करने के लिए 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किस पश्चिम अफ्रीकी देश का देश द्वारा मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? द गंबिया, द बुर्किनो फासो, घाना, गुनिया बिसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा घाना। अब देखिए, यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पुष्टि की घाना की में घातक मारबर्ग वायरस की 2 संदिग्ध मामले आए सामने आए हैं। अब देखिए आपका अगला है, अगला क्या है, भारतीय तकनीकी SME के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए नैसकान ने किस देश की एजेंसी के साथ समझौता की? तो आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है रसिया, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील, चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात की जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। देखिए, नासकॉम निवेशक या NSW सरकार के आर्थिक विकास और निवेश आकर्षण एजेंसी के साथ साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद व्यापार और निवेश के अवसरों को उजागर करने के लिए भारतीय औद्योगिकी कंपनियों के लिए दर्ज रोड शो का एक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रियन ग्राउंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपका पहला है लेविस हैमिल्टन, मार्कस स्कूमेंचर और चौथा है कार्लेस लेक्लर्क, मैक्स वर्स्टपन। राइट आंसर हो जाएगा कार्लेस लेक्लियरेक। फेरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने रेड बुल की मैथ्स वास्टर्न पेन को हरा कर रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। FIA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहला है आपका नीरज अखोरी, दूसरा है आपका अलवारो लारोई, अविनाश कुलकर्णी, प्रदीप सिंह भारदो। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अलवारो लारियो। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अलवारो लारियो के वो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एक आधिकारिक बयान के अनुसार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है ताकि सर्वदलीय सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो सके? पहला है रनिल विक्रमा सिंह, श्री माओ बंड के भंडारा नाइके, महिंदा राजपक्षे, डीएम राज जया रत्ने। इसमें सही आप समझ जाएगा पहला वाला। पहला है देखिए, इसमें क्या है, रानिल विक्रमा सिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया ताकि सर्वदलीय सरकार बनने का रास्ता साफ हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 में दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज की शुरुआत की है? निस्कॉम, निक्सी, कोई नीति आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें निक्सी। तो देखिए, ये बात करते हैं, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज की शुरुआत की।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन 2022 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहला है एक, कौन से स्थान पर पहुंच गया? दूसरा है तीन, तीसरा है दो, चौथा है चार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, यानी दो। भारत राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन 2022 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देखिए, अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।